हैं और अवार्ड मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को चुना और इस सब्जेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए मुझे चुना। देखा बहुत टैलेंट भरा पड़ा है बिहार में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बस उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो उम्मीद है कि आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूँ इमरान अली, फेस टू फेस में आपकी मुलाकात कराते हैं धीरू यादव से। धीरू यादव एक अच्छे फिल्म निर्देशक हैं, ख़ासतौर से इन्हें नेचुरल एक्टिंग के लिए जाना जाता है। भोजपुरी सिनेमा जो कि भोजपुरी भाषा बिहार नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी, कई देशों में बोली जाती है, और इसको लेकर भोजपुरी सिनेमा को कहां तक ले जा पाए हैं धीरू यादव। अभी हाल में ही इनकी एक फ़िल्म है जया, जिसको लेकर इन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। और आज शेरघाटी का ये कठार गांव है जहां पे ये अपनी फिल्म मेरा वचन के लिए शूट कर रहे हैं और हम सेट पर मौजूद हैं इनके साथ बात करने के लिए। सबसे पहले सर आपको बधाई देते हैं जो जया में आपको अवार्ड मिला। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे सर अवार्ड को लेकर? देखिए, एक फिल्म बनाने के लिए रत्नाकर सर का ये कॉन्सेप्ट था, जो वर्ल्ड वाइड के ऑनर है, उन्होंने मुझे बोला कि ये फिल्म बनानी है और अवार्ड मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को चुना और इस सब्जेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए मुझे चुना। तो उनको बहुत बहुत बधाई और मेरी कोशिश यही है कि थोड़ा और बेहतर फिल्में बनाऊँ और इंटरनेशनली और भोजपुरी का नाम हो, यही है। आप लोगों का प्यार, लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा। बट एक अपील भी है आपके माध्यम से लोगों से कि ऐसी फिल्में भी देखा करिए, जब लोग देखेंगे तो अच्छी फिल्में बनना और स्टार्ट होगा और मेकर्स के हौसले बढ़ेंगे, तो बनाने चाहिए और प्रोड्यूसर्स की हिम्मत होगी कि हम इस तरीके की फिल्में बनाएं। सर, मेरा वचन को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह की फिल्म है और इसको डायरेक्ट करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया है। मेरा वचन टाइटल से ही लग रहा होगा आपको कि एक पारिवारिक फिल्म है, और कैसे एक भाई जो है अपनी बहन की ज़िंदगी संवारने के लिए एक वचन देता है, उसके माँ बाप नहीं है तो माँ बाप का भी फ़र्ज अदा करता है, भाई का भी फ़र्ज अदा करता है, और किस तरीके से वो अपनी जीवन को दाव पे लगा करके अपनी बहन की ज़िंदगी को संवारता है। उस वचन को, राखी के जो बंधन होता है, तो यहाँ वो अपने बहन को वचन दिया है, उस वचन को निभाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देता है। आखिरी सवाल, बिहार में जो राजगीर है उसे फिल्म सिटी के तौर पर डेवलप करने के का प्रयास किया जा रहा है, पूरा बिहार के इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश हो रही है, किस दिशा में जा रहा है बिहार का सिनेमा? बहुत बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार को, और इससे मेकर्स के हौसले और बढ़ेंगे। साथ से मेरी अपील भी है कि यहाँ के लोग भी सिनेमा वालों को कॉपरेट करें ताकि और फिल्में यहाँ बने, यहाँ के लोकल कलाकार हैं उन लोगों को मौका मिलेगा। बहुत टैलेंट भरा पड़ा है बिहार में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बस उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो उम्मीद है कि अब इस माध्यम से लोग बिहार में आए, शूट करेंगे तो यहाँ के लोकल टैलेंट को मौका मिलेगा, और यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि जब मुंबई से लोग यहाँ शूट करने आए तो आप उनको सपोर्ट करिए ताकि और लोग आए, और इससे बिहार में एक तरीके से टूरिस्ट भी बढ़ेंगे, लोग भी आएंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, और सबसे अधिक बात कि जो लोकल कलाकार है, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था वो अब मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।